नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल किसान चैनल धीरज ढिल्लो पर। किसान साथियों, आज कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। ये जो आप पेड्डी देख रहे हैं 0238 की पेड्डी है, और फिलहाल इसमें ये कहते हैं ना खरगोश भी नहीं बढ़ सकता, वो स्थिति इस पेड्डी की हो रही। इतनी घिण की, इतनी शानदार, इतनी लाजवाब पेड्डी है, और इस पेड्डी का इतना अच्छा होने का कुछ कारण है। कारण क्या है साथियों, वो जान लेंगे किसान भाई से। तो साथियों, किसान भाई से पूछते हैं अब, इतनी अच्छी फिलहाल पेड्डी तैयार कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। अब ऐसा है कि तो ये बताएं, आपकी पेड्डी काफ़ी लाजवाब है, बहुत ही गिणकी, बहुत ही शानदार पेड्डी हो रही, तो इतनी अच्छी पेड्डी कैसे तैयार हुई है जी? पेड्डी तो इस तरह से तैयार करवाई गई है कि अगर हम किसी मजदूर से भी आ जाओ, चलते रहते हैं और दिखाते भी हैं अपने साथियों को। अगर हम किसी मजदूर से भी छुलवाते, अच्छा जी, कैसे भी करवाते, ये एक दोहरे से भी कटवाते इसे, अच्छा जी, तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पाता जो हमने एक एक गन्ना अपने हिसाब से इसमें बाहर निकाल के, ट्रोली भरी थी बाहर, अपना एक एक गन्ना निकाल कर हमने मेहनत करी है, ये उसी का ही परिणाम है। तो सारा गन्ना अपने हाथ से काट के दिया, हाँ जी, तो एक एक पौगा बच गया। हाँ जी। तो देखें साथियों, पौगा बचने का कितना बड़ा फायदा हुआ, कम लागत में, कम समय में कितनी अच्छी शानदार पेड्डी तैयार होगी। तो अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल तो जरूर मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत ही हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन ला देती है। ये आप देख सकते हैं, फिलहाल पेड्डी तैयार है और कम लागत में तैयार होगी। तो साथियों, जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।